मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं एक्सट्रीम पॉल्यूशन से भारी दुनिया से बचने के लिए एक माँ अपने छोटे बच्चे को विकेट नाम की ऑर्गेनाइजेशन के हवाले करती है और वो बच्चा कोई और नहीं थॉमस है। फिर दिखाते हैं कि एवा पेज थॉमस जैसे कई बच्चों को एक ट्रेन में लेके जाती है और फिर हमें पार्ट वन के सीन्स विजुअल में दिखाए जाते हैं। अब दिखाते हैं कि मीनो थॉमस से नीचे उतरने को कह रहा होता है। फर्स्ट पार्ट में जो बच गए थे उन्हें आर्मी बेस में लेके आते हैं। थॉमस देखता है कि वहाँ सभी गन से शूट कर रहे होते हैं। एक आदमी इन सबको हेलीपैड से नीचे उतारकर एक सेफ जगह पे लेके जाता है। कई ज़ॉम्बी इनका पीछा कर रहे होते हैं। उन सबको शूट करते हुए इन्हें एक कमरे में लेके जाते हैं और दरवाजा लॉक कर देते हैं। वो जगह बहुत ही बड़ी होती है। हलचल के माहौल में लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। और फिर दिखाते हैं मूवी का टाइटल द स्कॉट ट्रायल्स और यहाँ से मूवी शुरू होती है। थॉमस और उसके साथियों को एक कमरे में बंद किया होता है। दरवाजा खोलकर एक आदमी अंदर आता है और उनका हालचाल पूछता है। इसी के आदमियों ने सबको बचाया होता है और ये यहाँ का इंचार्ज होता है। वो सबको किसी दूसरी जगह लेके जाता है। फिर दिखाते हैं कि रास्ते में वो आदमी बताता है कि मैं जेंसन हूँ और हम तुम्हारे जैसे लोगों को विकेट से बचाते हैं। थॉमस पूछता है कि क्या हम घर जा रहे हैं। जेंसन जवाब देता है कि बाहर किसी का भी घर नहीं बचा, पूरी धरती शमशान घाट बन गई है और सारे लोग ज़ॉम्बी बन गए हैं। फिर वो उन्हें फ्रेश होने को कहता है। उनके फ्रेश होते ही उन पर कोई टेस्ट किया जाता है, लेकिन टेरेसा को अलग लेके जाकर टेस्ट किया जाता है। थॉमस को ये देखकर ठीक नहीं लगता। अब थॉमस को अलग लेकर जाकर जेंसन इंक्वायर करता है कि तुम विकेट के बारे में क्या जानते हो, याद करके बताओ। थॉमस कहता है कि मैं उनके लिए काम करता था, फिर उन्होंने मुझे मेज से निकाल दिया। फिर वो थॉमस को अपने साथियों के पास भेज देता है, लेकिन इस जगह को देखकर थॉमस को जरा शक होने लगता है। अब थॉमस डाइनिंग रूम में जाता है, वहाँ भी कई लड़के होते हैं जिन्हें मेज से बचाया गया है। इतने में मीनू आकर कहता है कि हमारे मेज की तरह और भी कई मेज हैं और ये लोग भी किसी दूसरे मेज से बचकर आए हैं। और ये कहकर वो थॉमस को एक टेबल पर लेकर जाता है। वहाँ पर एक लड़का बताता है कि जेंसन की टीम ने उन्हें बचाया था। थॉमस पूछता है कि तुम लोग कितने दिन से यहाँ हो। वो कहता है सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं, लेकिन वो एक लड़के को दिखाकर कहता है कि वो 1 हफ्ते से यहाँ है। इतने में जेंसन 2 बॉडीगार्ड्स के साथ वहाँ आता है और एक लिस्ट से नाम पढ़ने लगता है। जिनके नाम वो पढ़ता है वे बड़ी खुशी से उनके साथ चले जाते हैं। मीनो पूछता है कि उन्हें कहाँ लेके जा रहे हैं। वो लड़का कहता है कि उन्हें किसी सेफ जगह पे लेके जा रहे हैं। फिर दिखाते हैं कि टेरेसा दूसरी लड़कियों के साथ एक डॉक्टर के पीछे जा रही होती है। अब थॉमस उसे पुकारते हुए उसके पीछे जाता है, पर गार्ड उसे अलाउ नहीं करते। वो टेरेसा को देखने की जिद करता है, पर वे कहते हैं कि अभी कुछ टेस्ट बाकी है, सब हो जाने के बाद वो तुमसे मिलने आएगी। थॉमस कुछ नहीं कर पाता और लौट जाता है। फिर दिखाते हैं कि उन्हें कमरा दिया जाता है। इतने दिन ग्लेड के अंदर रहने के बाद वहाँ के बेड को देखकर तो सभी खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब सोने में जरा मजा आएगा। पर थॉमस न्यूट से पूछता है कि उन लोगों ने टेरेसा को क्यों नहीं छोड़ा। न्यूट उसे दिलासा देता है और आराम से सोने को कहता है। और सभी सो रहे होते हैं पर उसे नींद नहीं आती। तभी वहाँ के वेंटिलेटर को तोड़कर एक लड़का अंदर आता है और यही लड़का 1 हफ्ते से यहाँ रहता है। वो थॉमस को बुलाता है और दोनों वेंटिलेशन पाइप के अंदर जाते हैं। फिर वो एक जगह रुककर थॉमस को दिखाता है कि नीचे एक डॉक्टर को स्ट्रेचर में एक रूम के अंदर लेकर जाते हैं। इस बारे में थॉमस पूछता है, पर वो लड़का भी नहीं जानता कि रूम में हो क्या रहा है। वो कहता है कि इस कमरे में जाकर कोई बाहर नहीं आता, मुझे लगता है कि यहाँ से कोई बाहर नहीं जा पाया है। थॉमस पूछता है, लेकिन तुम मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हो। वो कहता है कि मुझे लगता है तुम सबसे अलग हो और इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। अब यहाँ रुकना ठीक नहीं, चलो चलते हैं। दोनों लौट रहे होते हैं और तभी थॉमस उसका नाम पूछता है। अपना नाम एरिस बताकर वो चला जाता है। फिर दिखाते हैं कि अगले दिन जेंसन एक लिस्ट लेके आता है और लोगों का नाम पढ़ता है। अब जिन लोगों के नाम वो फिर पढ़ता है उनको दोबारा लेके जाते हैं। थॉमस अपने दोस्तों को कल रात की बात बताता है, पर वे कहते हैं कि आते ही उन बातों पर ध्यान देकर बेवजह टेंशन मत क्रिएट करो, वो सब बाद में देख लेंगे। लेकिन थॉमस चुपचाप जेंसन का पीछा करने लगता है। फिर जाते हुए सभी गार्ड्स उसे रोकते हैं। थॉमस जानबूझकर गार्ड से लड़ता है और उस पर गिर पड़ता है। तब जेंसन आकर कहता है कि हम सब एक टीम है। थॉमस उसे चीटता है और कहता है, अच्छा जी तो हम एक ही टीम के हैं। अब जेंसन गुस्से में सबको कमरे में बंद करवा देता है। थॉमस के साथ ही उसे डांटते हैं कि तुम पागल हो क्या। वो कहता है कि मुझे कुछ गलत लग रहा है, ये सब हमसे झूठ बोल रहे हैं। और फिर वो उस गार्ड का आईडी कार्ड दिखाता है जिससे वो जानबूझकर लड़ गया था। न्यूट कहता है, बड़ी मुश्किल से रहने की जगह बेड और खाना मिल रहा है और तुम हमारी खुशी पे पानी मत फेरो। तभी एरिस वेंटिलेशन को निकाल कर अंदर आता है और थॉमस को बुलाता है। थॉमस कहता है, मेरी बात गलत भी हो सकती है, पर मैं देखना चाहता हूँ कि वहाँ हो क्या रहा है। और ऐसा कहकर थॉमस और एरिस चले जाते हैं। फिर दिखाते हैं कि दोनों गार्ड की आईडी लेकर कमरे में जाते हैं। वहाँ टेस्ट ट्यूब में ग्रीवर्स को बना रहे होते हैं। दूसरे कमरे में इंसानों के सर में ट्यूब घुसाकर उन्हें लिटाया होता है और उनके शरीर से ज़ॉम्बी वायरस की दवा निकाल रहे होते हैं। थॉमस का शक अब सच निकल जाता है। फर्स्ट पार्ट से भी ज्यादा खतरनाक एक्सपेरिमेंट यहाँ चल रहा होता है। और अचानक वहाँ जेंसन आता है। ये दोनों एक पिलर के पीछे छुपकर उन्हें देखते हैं
और जेनसन एवा पेज के साथ वीडियो कॉल करता है। एवा कहती है कि और तेजी से दवा बनाने का काम करना होगा, इससे पहले कि कोई वहाँ से बच निकले। तुम जल्दी काम खत्म करो। जेनसन कहता है कि यहाँ हमने पूरी लॉकडाउन लगा रखी है, कोई भी बाहर नहीं जा पाएगा। एवा पूछती है तो फिर कुछ लड़कियां जो बचकर राइट आर्म्स तक पहुंच गई है उनके बारे में पता लगाया तुमने? जेनसन कहता है कि उनके बारे में पता नहीं चला, पर इन्फॉर्मेशन मिली है कि पहाड़ों में कहीं छुपे हुए हैं। एवा की बात सुनकर जेनसन नए लोगों पर टेस्ट करने का फैसला करता है और वहां से चला जाता है। थॉमस चौंक जाता है क्योंकि नए लोग तो वो और उसके साथ ही है, इसीलिए वो उन्हें सावधान करने के लिए फटाफट वहां से भागता है। अब थॉमस को दिखाते हैं जो उन्हें बता रहा होता है कि ये भी विकेट की जगह है। विकेट को पता है कि मेज से बचने के बाद हम दोबारा उनके पास नहीं जाएंगे, इसलिए स्कॉट्स के नाम से वे हमें यहाँ पर ले आए हैं। उनका एक्सपेरिमेंट तो अभी भी जारी है, इसलिए जेनसन अब हमें लेने आ रहा है। तभी जेनसन कमरे में आता है लेकिन वे सब वेंटिलेशन के रास्ते से निकल चुके होते हैं। एरिस उन्हें सीधे जाने को कहता है और खुद दूसरे रास्ते से चला जाता है। इतने में कुछ डॉक्टर्स उन्हें देख लेते हैं। अब थॉमस उन्हें धमकाकर टेरेसा के पास जाने को कहता है। इतने में एक गार्ड आता है पर मीनो उसे पीट कर गन छीन लेता है और फिर वे टेरेसा को ढूंढने चले जाते हैं। इतने में जेनसन सारे गार्ड को अलर्ट कर देता है और थॉमस को पकड़ने के लिए टेरेसा के कमरे में जाता है, पर तब तक थॉमस और टेरेसा जा चुके होते हैं। फिर दिखाते हैं कि वे किसी तरह दरवाजे तक पहुंच जाते हैं पर गार्ड की आईडी से दरवाजा नहीं खुलता। इतने में जेनसन गार्ड के साथ आता है और उन्हें दिलासा देने की कोशिश करता है, पर थॉमस डटकर पूछता है कि तुम विकेट के लिए काम करते हो ना? जेनसन कहता है कि तुम ये दरवाजा कभी नहीं खोल सकोगे। इतने में दरवाजे के उस तरफ से एरिस उसे खोल देता है और सब बचकर भाग रहे होते हैं। जेनसन दरवाजा बंद करने का ऑर्डर देता है और वे बंद होने लगता है। थॉमस लगातार शूट कर रहा होता है ताकि कोई उनके पीछे ना आए, और बुलेट्स के खत्म होते ही वो तेजी से दरवाजे के बीच से होकर दूसरी तरफ चला जाता है। थॉमस और उसके साथी मेन गेट खोलकर बाहर भागते हैं। जेनसन के आदमी उनको पकड़ने के लिए बाहर आते हैं और उससे बचकर ये लोग एक टूटी हुई बिल्डिंग में छुप जाते हैं। एक्चुअली उन्हें खुद पता नहीं होता कि वे वहां से क्यों भागे थे। बिना कुछ सोचे थॉमस के कहने पर वे सब वहां से भाग गए हैं। अब वे थॉमस से पूछते हैं कि उसका क्या प्लान है। थॉमस उन्हें लैब में दिखाई भी सारी बातें बताता है और जेनसन और एवा के बीच हुई बातों के बारे में भी सब बताता है। इंसान के शरीर से ये लोग कोई दवा निकालने की कोशिश कर रहे हैं और शायद हमारे खून में कुछ है जो इन्हें चाहिए, इसीलिए हमें यहाँ रखा हुआ है। किसी पहाड़ पर राइट आर्म नाम का कोई ग्रुप है जिसने कुछ लोगों को विकेट से बचाकर सुरक्षित रखा है। इस तरह एक्सप्लेन करके थॉमस उन्हें उस बिल्डिंग से जरूरत की चीजें लेने को कहता है। सब वहां ढूंढकर कुछ चीजें इकट्ठा करते हैं। मीनो और थॉमस एक वायर को देखते हैं और पास ही एक आदमी सोफे पर मरा पड़ा होता है। दोनों वायर को फॉलो करते हुए जाते हैं और पावर बॉक्स को स्विच ऑन करते हैं। वहां की सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। इतने में थॉमस के पीछे से उन्हें कोई अटैक करने की कोशिश करता है और कुछ ही देर में कई ज़ॉम्बी उन्हें अटैक करने लगते हैं। दोनों उनसे बचकर भागते हैं। ऊपर सब उनका इंतजार कर रहे होते हैं पर दोनों चिल्लाते हैं कि यहाँ से भागो। ज़ॉम्बी से बचने के लिए वे इधर उधर भागने लगते हैं और बड़ी मुश्किल से वे ज़ॉम्बी से बचकर एक जगह पर पहुंचते हैं। उस जगह पर सिर्फ एक ही दरवाजा होता है और वो भी लॉक किया होता है। कुछ लोग दरवाजा तोड़ने लगते हैं। इतने में टीम का एक आदमी ज़ॉम्बी को शूट करने लगता है लेकिन वो बहुत देर शूट नहीं कर पाता और ज़ॉम्बी बहुत पास आ जाते हैं। इतने में वो दरवाजा भी टूट जाता है और सब वहां से भाग कर निकल जाते हैं, पर ज़ॉम्बीज को शूट करते हुए वो आदमी अंदर फंस जाता है। एक तरफ ज़ॉम्बीज उसे खींच रहे होते हैं और दूसरी तरफ उसकी टीम खींच रही होती है। ज़ॉम्बीज उसका पेट चीर रहे होते हैं पर उसकी टीम उसे बचा लेती है। फिर वे सब किसी तरह बचकर एक छोटी सी जगह पर आ पहुंचते हैं। अब दिखाते हैं कि अगली सुबह उठकर वे किसी जगह को दिखाते हैं, वहां कोई बिल्डिंग नहीं होती और वो जगह बिल्कुल रेगिस्तान लगती है। दूसरी ओर विकेट उन्हें ढूंढ रहा होता है। वे प्लान करते हैं कि किसी तरह बचकर उस पहाड़ तक पहुंचना होगा जहां राइट आर्म्स है। इतने में वो आदमी बेहोश हो जाता है जिसे ज़ॉम्बी ने अटैक किया होता है और उसे एक लकड़ी से बांधकर वे साथ लेके जाते हैं। अब कड़ी धूप में वे एक जगह थककर रुक जाते हैं। थॉमस पहाड़ तक की डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा होता है। टेरेसा उसके पास आकर अपनी गर्दन पर लगा हुआ निशान दिखाती है जो विकेट का कोई बारकोड होता है। वो कहती है कि उसे अब सब कुछ याद आ गया है। यहाँ की हालत बदलने के लिए दवा की जरूरत है और हम दोनों उसकी दवा की रिसर्च कर रहे थे, इसीलिए बेहतर यही होगा कि हम वहाँ लौट जाएं। पर थॉमस कहता है पागल मत बनो, वे हमें टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे थे, हमारे साथियों को भी उन्होंने मार दिया था। इस पर टेरेसा कहती है कि सब कुछ ठीक ही तो चल रहा था पर बीच में तुमने सब कुछ बिगाड़ डाला। थॉमस पूछता है कि मैंने क्या गलत कर दिया, प्लीज सब कुछ खुलकर बताओ। इतने में ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड आदमी खून की उल्टी करने लगता है और ये दोनों अपनी बातें रोककर उसे देखने आते हैं। वो आदमी कहता है कि मेरा बचना मुश्किल है और मेरे शरीर में वायरस पूरी तरह से फैल चुका है, और ये कहकर वो अपना पेट दिखाता है जहां पहले इन्फेक्शन हुआ था। वो ज़ॉम्बी बनकर अब मरना नहीं चाहता, इसलिए वो खुद को शूट करने के लिए गन मांगता है। उनके पास कोई और चारा नहीं होता, इसीलिए वे उसे गन देकर वहां से चले जाते हैं।
अब दिखाते हैं कि रात को वो एक जगह कैंप फायर लगाकर बैठे होते हैं। तब मीनो कहता है कि विकेट ने जो बड़ा चढ़ाकर मेज के अंदर हमें ट्रेनिंग दी थी उसे तो मुझे लगा कि वायरस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तब टेरेसा बताती है कि सभी में वो शक्ति नहीं होती, गिने चुने लोगों में ही ज़ॉम्बी वायरस से लड़ने की इम्यूनिटी होती है, बाकी लोग अगर इन्फेक्ट हो गए तो जरूर ज़ॉम्बी बन जाएंगे। अब अगले दिन वे कड़ी धूप में फिर से चलना शुरू करते हैं। उनके पास पानी भी नहीं होता और थकान के मारे कोई चल भी नहीं पा रहा होता है। रात को वे खुली जगह में सो जाते हैं। अचानक थॉमस उठकर देखता है कि दूर एक लाइट जल रही होती है। वो सोचता है कि वहाँ जरूर कोई होगा। फिर वो सभी को उठाता है और वे उस दिशा में जाने लगते हैं। अचानक क्लाइमेट चेंज होने लगता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सब कुछ जल्दी जल्दी चेंज हो रहा होता है। घने बादल छाने लगते हैं और अचानक तेज रोशनी के साथ बिजली गिरती है। लगता है बिजली उनका पीछा कर रही है। उससे बचने के लिए वे यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं। तब मीनो के पास की किसी चीज पर बिजली गिरती है और उस धमाके से वो बेहोश हो जाता है। उसे उठाकर वे सब बिल्डिंग के अंदर भागते हैं। अब दिखाते हैं कि मीनो बिल्कुल ठीक होता है। टेरेसा को उस बिल्डिंग में कुछ ठीक नहीं लगता। वो उस जगह को चेक कर रही होती है कि अचानक एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर वो रस्सी से बंधा होता है इसीलिए वो टेरेसा को छू नहीं पाता। वो टॉर्च चलाकर देखती है कि वहाँ तो कई ज़ॉम्बीज हैं जो बांध कर रखे गए हैं। उसकी टॉर्च की रोशनी में एक औरत आती हुई दिखती है। उसका नाम ब्रेंडा है। वो बड़े ठाट से ज़ॉम्बी के बीच से चलकर आती है और थॉमस की टीम को अंदर बुलाती है। इन्हें डर लगता है पर वे घबराते हुए उसके पीछे चलने लगते हैं। तब ब्रेंडा कहती है कि जॉर्ज तुमसे मिलकर खुश होगा क्योंकि आज तक स्कॉट से कोई जिंदा बाहर नहीं निकला है। वो उन्हें जॉर्ज के पास लेके जाती है और उनके पीछे ब्रेंडा के आदमी भी आ रहे होते हैं जो देखने में बिल्कुल गुंडे की तरह लगते हैं। थॉमस को लगता है कि हम सब बुरी तरह से फंस चुके हैं। इतने में वे जॉर्ज के कमरे में पहुंचते हैं। वो उन्हें देखकर पूछता है कि तुम लोग कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो, तुम लोगों से क्या मुझे कोई फायदा होगा। थॉमस जवाब देता है कि हम राइट आर्म्स की तलाश में निकले हैं। जॉर्ज पूछता है कि तुम लोग हो कौन। थॉमस चिढ़कर कहता है कि तुम्हें इससे क्या मतलब। ये सुनकर पीछे खड़े गुंडे उसे टेबल पर लॉक करते हैं और ब्रेंडा बारकोड स्कैनर से उसकी गर्दन को स्कैन करती है। थॉमस सोचता है कि सिर्फ टेरेसा की गर्दन पर ही बारकोड है, पर असल में विकेट ने सबकी गर्दन पर बारकोड बनाया होता है। स्कैन करते ही थॉमस की सारी डिटेल्स जॉर्ज को मिल जाती है और वो कहता है कि अगर हम इन्हें विकेट के हवाले कर देते हैं तो हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। फिर वो उन सबको मटन स्टॉल में लटकते भेड़ बकरियों की तरह उल्टा कर देते हैं। अब वो पूछता है कि तुम राइट आर्म के बारे में क्या जानते हो। थॉमस कुछ नहीं बताता। फिर वो एक लीवर को दबाने की धमकी देता है। तब थॉमस बताता है कि राइट आर्म्स एक पहाड़ पर हैं और उन लोगों ने विकेट के चंगुल से कुछ लोगों को बचा कर रखा है, हम सिर्फ इतना ही जानते हैं। इतने में वहाँ पर एक आदमी आता है और उससे बातें करते हुए जॉर्ज बाहर जाता है। अब जॉर्ज जल्दी जल्दी अपना बैग पैक कर रहा होता है। ब्रेंडा पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। जॉर्ज कहता है कि मैं राइट आर्म्स के पास जा रहा हूँ, इन लोगों को ले जाने के बहाने हम वहाँ जा पाएंगे। फिर दिखाते हैं कि थॉमस और उसके साथी रस्सी खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। इतने में विकेट के लोग वहां पहुंचकर अटैक करने लगते हैं। थॉमस की टीम एक दूसरे को धक्का देकर आखिर में टेरेसा को एक ग्रिल तक पहुंचाते हैं। फिर वो ग्रिल को पकड़कर अपनी रस्सी खोल देती है और दूसरों को भी बचाती है। इतने में जॉर्ज का एक गुंडा वॉकी टॉकी पर जैनसन से कहता है कि मैं इन लोगों को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। फिर वो थॉमस की टीम को रोक देता है। थॉमस उससे लड़ने लगते हैं पर उनके पास पिस्तौल होती है। इतने में ब्रेंडा उस गुंडे पर गोली चलाती है और थॉमस से कहती है कि चलो यहाँ से बच निकलते हैं। वो उन्हें बाहर ले जाती है पर टेरेसा छुपके से उस गुंडे की वॉकी टॉकी उठाकर रख लेती है। जॉर्ज ऊपर रिकॉर्डर में कोई पुराना गाना चलाता है और इन लोगों के पास आता है। वहाँ दूसरी बिल्डिंग में जाने के लिए एक रस्सी बंधी होती है जिस पर ये लोग बंदरों की तरह एक एक करके लटक कर जा रहे होते हैं। ब्रेंडा अंदर कुछ लेने के लिए भागती है, थॉमस भी उसके पीछे जाता है। वे बाहर आने वाले होते हैं कि इतने में विकेट के आदमी आ जाते हैं और उन्हें शूट करके दोनों रूप पर चढ़ जाते हैं। विकेट के आदमी उन्हें फॉलो कर रहे होते हैं। ब्रेंडा थॉमस से कहती है कि गाना खत्म होने वाला है, तुम जल्दी चलो। थॉमस पूछता है कि गाना खत्म हो गया तो क्या होगा। वो कहती है कि वो एक टाइम बॉम्ब की तरह है। तभी गाना खत्म होता है और बॉम्ब फटता है, लगभग पूरी बिल्डिंग गिर जाती है, पर थॉमस और ब्रेंडा किसी तरह बचकर एक पिट के अंदर चले जाते हैं। तब थॉमस पूछता है कि तुम हमारी मदद क्यों कर रही हो। वो कहती है कि जॉर्ज किसी तरह राइट आर्म्स के पास पहुंचना चाहता है क्योंकि ये जगह ज़ॉम्बी से घिर चुकी है, इसलिए हम भी तुम्हारे साथ राइट आर्म्स के पास जाकर सेफ रहना चाहते हैं। थॉमस पूछता है कि क्या तुम जानती हो कि राइट आर्म्स कहाँ है। ब्रेंडा कहती है कि जगह तो मैं नहीं जानती लेकिन मैं मार्कस को जानती हूँ जो उनके लिए काम करता है, इसीलिए हम सब मार्कस के पास जा रहे हैं। बातें करते हुए वे एक टनल के अंदर जाते हैं। टनल के अंदर एक तरफ की दीवार लाल रंग की कटीले पौधों से भरी होती है। इतना ही नहीं, वहाँ पड़ी हुई कुछ लाशों से भी वही पौधे उग रहे होते हैं। वे उसे चेक करने की कोशिश करते हैं और तभी एक चूहा ब्रेंडा को काटने की कोशिश करता है। ब्रेंडा उसे लात मारती है और चूहा चिल्लाते हुए टनल के अंदर भागता है। वे टॉर्च मारकर उसे देखते हैं, तभी अचानक एक ड्रावनी दिखने वाली लाश उनके सामने आ जाती है और उस चूहे को पकड़कर खाने लगती है। तब पता चलता है कि वो लाश नहीं ज़ॉम्बी है और इतने में वहां पड़े हुए कुछ और ज़ॉम्बी उठकर इनका पीछा करने लगते हैं। ये लोग टनल की दूसरी तरफ भागने लगते हैं और टनल का एंड तक पहुंच जाते हैं।
वहां पर एक बिल्डिंग होती है और ये लोग उस बिल्डिंग पर चढ़कर उसके ऊपर भागते हैं, पर ज़ॉम्बी वहां भी पीछा नहीं छोड़ते। तभी ब्रेंडा फिसलकर ग्लास के ऊपर गिर जाती है। उसके गिरते ही ग्लास क्रैक होने लगता है और थॉमस उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाता है। तभी अचानक एक बेवकूफ ज़ॉम्बी ब्रेंडा को अटैक करने के लिए उस ग्लास पर कूद जाता है और ब्रेंडा को खींचने लगता है। थॉमस लोहे की रॉड से ग्लास तोड़ देता है और ब्रेंडा को पकड़ लेता है। अब वो ज़ॉम्बी नीचे गिरकर मर जाता है, पर उस ज़ॉम्बी ने ब्रेंडा के पैर में काट दिया होता है। इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए वो पैर पर एक कपड़ा टाइट बांध देती है। अब दिखाते हैं कि दोनों एक ब्रॉथल हाउस पहुंचते हैं। वहाँ कई गरीब और बेघर लोग सड़क पर असुरक्षित जिंदगी जी रहे होते हैं। थॉमस समझ जाता है कि विकेट अपनी दवाइयाँ सिर्फ अमीरों के लिए ही बना रहा है, मिलिट्री भी उन्हीं लोगों की रक्षा कर रही है। वे एक आदमी से मार्कस के बारे में पूछते हैं। वो कहता है कि मार्कस तो मर चुका है। फिर थॉमस अपने साथियों के बारे में पूछता है। वो कहता है कि वे अंदर हैं, पर तुम इसे पीकर ही अंदर जा सकते हो, और ये कहकर वे उन्हें एक बोतल देता है। दोनों से पीकर अंदर जाते हैं। वहाँ कई लड़कियां होती है और ये दोनों नशे में धोते इधर उधर चल रहे होते हैं। थॉमस को अब इल्यूजन होने लगता है और उसे उसके मरे हुए साथी दिखाई पड़ते हैं। फिर वो नशे में बेहोश होकर गिर जाता है। फिर दिखाते हैं कि उसके सपने में वो टेरेसा को अकेले में मिलता है और कहता है, मुझसे दूसरों की मौत नहीं देखी जाती, तुम समझने की कोशिश करो कि मैंने ये सब क्यों किया। टेरेसा पूछती है कि ऐसा तुमने क्या किया है। इतने में विकेट के आदमी थॉमस को पकड़कर लेके जाते हैं। फिर दिखाते हैं कि उसकी आंखें खुल जाती हैं और टेरेसा उसके पास ही बैठी होती है। जॉर्ज मार्कस को कुर्सी से बांधकर उसे पीटता है और पूछता है कि राइट आर्म्स कहाँ है। मार्कस को पकड़ने के लिए उन्होंने इतनी मुसीबत झेली थी, पर अब पता चलता है कि मार्कस अब राइट आर्म्स के लिए काम नहीं करता। जॉर्ज विनती करता है कि कम से कम राइट आर्म्स की जगह तो बताई दो। मार्कस मार खाते खाते कहता है कि राइट आर्म्स पहाड़ पर ही है और वहां पहुंचने से पहले विकेट के आदमी तुम्हें पकड़ लेंगे। फिर दिखाते हैं कि जॉर्ज सबको लेकर मार्कस की गाड़ी में उस पहाड़ की ओर जा रहा होता है। तब रास्ते में कई गाड़ियां खड़ी होती हैं और वे आगे नहीं जा पाती। सब नीचे उतरकर और कोई रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी स्नाइपर से कोई शूट करने लगता है और सब तुरंत वहां खड़ी कार्स के पीछे छुप जाते हैं। जॉर्ज थॉमस को एक बॉम्ब देता है और उसे ब्लास्ट करवाने की विधि बताता है। तभी अचानक दो लड़कियां आकर उन्हें कैप्चर कर लेती हैं और सभी को हैंडसअप करके खड़ा कर देती हैं। उनमें से एक लड़की एरिस को देखते ही हंसकर गले लगाती है और कहती है, अरे एरिस तुम यहाँ। ये लड़की एरिस के साथ उस मेज में रहा करती थी और ये वही लड़कियां होती हैं जो पहली बार विकेट के चंगुल से बचकर निकली थी। इन सबको वे अपनी जगह पर लेके जाती हैं। अब राइट आर्म्स की जगह को दिखाते हैं। थॉमस कहता है कि मैंने सोचा था कि राइट आर्म्स के पास एक बड़ी आर्मी होगी, लेकिन यहाँ ऐसी कोई बड़ी बात नजर नहीं आती। उसकी बात सुनकर एक आदमी कहता है, हाँ हमारे पास बड़ी आर्मी थी, लेकिन कई दुर्घटनाओं के कारण आधे से ज्यादा लोग मर गए हैं और ये आदमी ही राइट आर्म का लीडर विंस है। राइट आर्म में जुड़ने से पहले सबको पूरा चेक किया जाता है। विंस उस लड़की से पूछता है कि ये लोग कौन है। वो लड़की कहती है कि इनमें 100% इम्यूनिटी है और ये लोग विकेट के चंगुल से भागकर यहाँ आए हैं। फिर भी वो सबको चेक करने का ऑर्डर देता है। ब्रेंडा के शरीर में वायरस फैल चुका होता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। राइट आर्म के लोग उसे शूट करने वाले होते हैं, पर थॉमस और जॉर्ज उन्हें रोकते हैं। तब वहाँ मैरी नाम की डॉक्टर आकर थॉमस से बात करने लगती है। लगता है वो उसे पहले से जानती है, पर थॉमस को उसके बारे में कुछ याद नहीं होता। थॉमस के शरीर से थोड़ा खून निकालकर उससे ब्रेंडा को बचाने के लिए वो थॉमस को टेंट में लेके जाते हैं। एक्चुअली मैरी भी थॉमस के साथ विकेट में काम करती थी। थॉमस अपने साथियों को एक एक करके मारते हुए नहीं देख सकता था और उससे उसने विकेट की पोल खोलने का फैसला किया, इसलिए विकेट ने उसे भी मेज के अंदर डाल दिया था। पर मेज में जाने से पहले उसने मैरी को कुछ सीक्रेट फाइल्स दिए थे जिनमें इस वायरस के बारे में पूरी डिटेल्स लिखी हुई थी। ये वायरस इंसान के ब्रेन को अटैक करता है। इस वायरस को खत्म करने के लिए इंसान का ब्रेन नेचुरली एक एंजाइम बनाता है, लेकिन ये एंजाइम कुछ ही लोगों में प्रोड्यूस होता है और उन गिने चुने लोगों को पहचानने के लिए ही विकेट कई लोगों को पकड़कर मेज में डाल रहा था। पर अब प्रॉब्लम ये थी कि ब्रेन से एंजाइम निकालने के लिए या तो उन लोगों को मारना होगा या फिर उन्हें किसी तरह कोमा स्टेज में पहुंचाना होगा। इतना ही नहीं, ब्रेन से निकाले गए एंजाइम से वायरस को मिटाया नहीं जा सकता, बल्कि सिर्फ उसके फैलने की स्पीड को कम किया जा सकता है। विकेट का प्लान ये था कि वे एक पूरी जनरेशन को मिटाकर ये दवाई बनाएगा। थॉमस को इस बात का पता चल चुका था, इसीलिए उसने विकेट को छोड़ने का फैसला किया था। पर इसके बारे में विकेट को पता चल गया था और इसीलिए उसने थॉमस को मेज के अंदर डाल दिया था। अब मैरी थॉमस के खून से एक इंजेक्शन तैयार करती है जिसे वायरस के फैलने को रोका जा सकता है। फिर वो ब्रेंडा को इंजेक्शन देती है। फिर दिखाते हैं कि टेरेसा अकेली खड़ी कुछ सोच रही होती है। थॉमस उससे बात करने लगता है, लेकिन टेरेसा को उसकी माँ की याद आने लगती है और वो बताती है कि मेरे बचपन में ही माँ इस वायरस से इन्फेक्ट हो गई थी और मैंने डर के मारे उन्हें कमरे में बंद कर दिया था। माँ रोज रात को बहुत चिल्लाती थी, उनकी हालत देखकर मुझे बहुत डर लगता था, पर एक रात उनकी आवाज नहीं आई। मैंने कमरे में जाकर देखा तो मेरी माँ ने अपने हाथों से अपनी आंखों को नोच कर निकाल दिया था और खून से लथपथ माँ बिस्तर पर पड़ी हुई थी। तुम प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, अगर हम कोऑपरेट नहीं करेंगे तो इस वायरस की दवा कभी नहीं बनेगी और मेरी माँ की तरह करोड़ों लोग मर जाएंगे। हम चाहें तो कई लोगों को बचा सकते हैं, इसी मकसद के लिए मैंने ये सब किया।
थॉमस पूछता है, पर तुमने ऐसा क्या किया, साफ साफ बताओ। टेरेसा कहती है, जो मेरी माँ के साथ हुआ वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए, कम से कम अगली जनरेशन तो पीसफुल रहे, इसलिए मैंने वॉकी टॉकी पर विकेट को हमारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। विकेट के आदमी यहाँ कभी भी पहुँच सकते हैं। थॉमस गुस्से में लाल होकर कहता है, तुम्हारे मकसद के लिए मैं अपने दोस्तों को मौत के मुंह में नहीं उतार सकता, और ये कहकर वो अपने साथियों को बचाने के लिए दौड़ता है। दोस्तों ऐसी स्थिति में आप क्या करते, टेरेसा की बात मानकर विकेट के साथ कॉपरेट करते या अपने साथियों की जान बचाने के लिए विकेट के खिलाफ लड़ते? अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अब दिखाते हैं कि विकेट की मिलिट्री राइट आर्म्स को अटैक करती है। राइट आर्म्स डिफेंड करने की कोशिश करता है, पर विकेट के आदमी कई ज्यादा होते हैं। एक और विंस अपनी मशीन गन से शूट कर रहा है, उसे कवर करते हुए मिनो, न्यूट और राइट आर्म्स की दो लड़कियां स्नाइपर से शूट कर रही होती है, पर कोई फायदा नहीं होता क्योंकि विकेट के आदमी एक शॉक बम फेंकते हैं और पूरी जगह हिलने लगती है। इससे पहले कि शॉक खत्म होता है, वे राइट आर्म्स को पकड़ लेते हैं और इसी बीच थॉमस, ब्रेंडा और जॉर्ज किसी तरह बच जाते हैं और एक जगह छुपकर बैठे होते हैं। ब्रेंडा और जॉर्ज वहां से बच निकलने की सोचते हैं और वे थॉमस को भी बुलाते हैं, पर वे अपने साथियों को छोड़कर जाने से मना कर देते हैं। फिर वो एक बॉम्ब को अपने पास छुपाकर विकेट की मिलिट्री के आगे सरेंडर हो जाता है। तब एवा पेज वहां आकर सबको देखती है, तब टेरेसा उसके पास जाकर खड़ी होती है। ये देखकर सबको गुस्सा आता है कि टेरेसा ने विकेट को इन्फॉर्म किया था और हमारे साथ इसने विश्वासघात किया है, पर एवा पेज कहती है कि टेरेसा ने तुम्हारे भले के लिए ये किया है। मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ और इस वक्त दवा से जरूरी और कोई चीज नहीं है। इसी तरह लेक्चर देकर वो सबको गाड़ी में चढ़ने का ऑर्डर देती है, पर थॉमस हाथ में बॉम्ब लिए डटकर खड़ा रहता है और कहता है कि हम मर जाएंगे पर तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे। एवा कहती है, तो क्या तुम खुद अपने साथियों को मारना चाहते हो? इतने में थॉमस के साथ ही उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, यार तू वो बटन दबा दे, हम सब मरने को बिल्कुल तैयार हैं। थॉमस बटन दबाने जाता है कि ऐन वक्त पर जॉर्ज की एक गाड़ी आकर वहां भगदड़ मचा देती है और इस सिचुएशन का फायदा उठाकर राइट आर्म्स विकेट आर्मी को अटैक करने लगते हैं। इस लड़ाई में मीनो विकेट आर्मी के पास फंस जाता है। थॉमस उसे बचाने की कोशिश में नाकाम हो जाता है। विकेट के आदमी मुट्ठी भर लोगों को लेकर वहां से भाग निकलते हैं। अब अगली सुबह विंस कहता है कि यहाँ जितने भी लोग बचे हैं उन्हें लेकर हम एक आइलैंड में जा रहे हैं, पर थॉमस कहता है कि मैं मीनो को बचाने जा रहा हूँ। सब उसे मना करते हुए कहते हैं कि इससे अच्छा तो तुम सुसाइड कर लो। थॉमस मानने वाला तो होता नहीं, वो एवा पेज को जान से मारकर विकेट को मिटा देने की कसम खाता है और अब सब मिलकर कहते हैं कि हम एवा पेज से बदला जरूर लेंगे और विकेट को खत्म ही करेंगे, हम सब बिल्कुल तैयार हैं, तुम बस हमें अपना प्लान बताओ। अब थॉमस सर उठाकर देखता है और इसी के साथ पार्ट टू मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, क्या थॉमस मीनो को बचा पाएगा और क्या उसने एवा पेज को मार डाला? पूरा सच जानने के लिए देखिए पार्ट 3, जिसमें होगा ज़ॉम्बी का धमाकेदार खेल। डोंट मिस इट। और दोस्तों, इस पार्ट 2 के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, साथ ही अपने फ्रेंड्स सर्कल में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।